हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों I2C के बारे में आज हम यहाँ जानने वाले हैं। IIC इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, आखिर ये होता क्या है I2C, इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे पूरा उसका वर्किंग फ्लो जो है उसे एक विजुअली ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आसान लफ्जों में, आपका कम से कम समय लेते हुए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करते हुए इस वीडियो को अभी हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई I2C जो है इट इज इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे आप कैसे देख सकते हो? इसे आप सिंपली एज अ सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की तरह देख सकते हो। सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिसमें ये तीन पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एडवांटेजेस पॉइंट्स हैं आपके I2C के, कि इसमें भैया सिर्फ और सिर्फ दो वायर में काम हो रहा है, आपका आराम से काम हो रहा है, दो वायर में ही सारा आपका खेल खत्म हो रहा है। दैट इज टू वायर, जो कि है यहाँ पे मैंशन SDA और SCL। SDA मतलब क्या? सीरियल डेटा लाइन इज देयर, और SCL मतलब क्या? आपका सीरियल क्लॉक लाइन। अब ये जो SDA लाइन है, इसमें हो क्या रहा है? इसमें सिंपली आपका जो भी डेटा रीड राइट करना है फ्रॉम मास्टर एंड स्लेव, इन बिटवीन दीज मास्टर एंड स्लेव, जो भी डेटा रीड राइट करना है वो आप यहां पे कर सकते हो। यू कैन सी द एरो हाउ इट इज। अभी आती है अगली लाइन कौन सी? SCL, यानी कि ये सीरियल क्लॉक लाइन। यहाँ पे सिर्फ हम लोग देख सकते हैं क्लॉक सिग्नल्स को जाते हुए इन वन डायरेक्शन, एज यू कैन सी द एरो इन दिस डायरेक्शन। सो ऑलवेज द क्लॉक सिग्नल्स इज गिवन फ्रॉम दिस मास्टर टू द स्लेव, मास्टर से स्लेव, यू कैन सी द एरो डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है एरो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, एक बेसिक चीज है। अब अगला पॉइंट आता है मल्टीपल M&S, मतलब बहुत ही कमाल का पॉइंट है, ये एडवांटेज पॉइंट है कि यहाँ पे I2C में मल्टीपल मास्टर एंड मल्टीपल स्लेव्स कैन बी कंसिडर्ड। जैसे ये एक मास्टर है, ये एक स्लेव है, करेक्ट। अभी इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक मास्टर के साथ कई सारे स्लेव्स बिठा सकते हो, या फिर बहुत सारे मल्टीपल मास्टर्स के साथ मल्टीपल स्लेव्स बिठा सकते हो। तो ये वेरिएशंस आपको I2C में फ्रीडम है, यहाँ पे इन सब को यूज करने का, इस तरीके से यूज करने का I2C में आपको फ्रीडम है। सो देयरफॉर मल्टीपल मास्टर्स एंड मल्टीपल स्लेव्स आर अलाउडेड। एक और बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज है, वो है एक्नॉलेजमेंट बिट सेंड की जाती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट TRP फैक्टर है I2C का, बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि जिसने सेंड किया है डेटा को, इन टर्म्स ऑफ हम यहाँ पे डेटा फ्रेम सेंड करते हैं। ठीक है, तो जब एक डेटा फ्रेम डिलीवर हो जाता है तो उस डेटा फ्रेम का सक्सेसफुल रिसीविंग का एक रिसीवर जो है एक्नॉलेजमेंट बिट सेंड करता है सेंडर को, ताकि सेंडर को कंफर्मेशन मिल जाता है, हाँ जो मैंने डेटा बिट भेजा था, डेटा फ्रेम भेजा था, वो पहुंच चुका है सक्सेसफुली। दैट्स हाउ इट इज। तो ये तो तीन बेसिक मेन चीजें हो गई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि भाई आखिरकार इसका पूरा वर्किंग कैसे होता है। अगर मान लो मास्टर को सेंड करना है कुछ डेटा किसी स्लेव को, तो वो कैसे करेगा, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उन सारी चीज़ों को बड़े बारीकी से आसान लफ्जों में अभी समझने की हम कोशिश करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे फ्रॉम 1 to 6, इसी ऑर्डर में आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि आप वो जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेंड कर सको। तो लेट्स कंसिडर इन दिस एग्जाम्पल कि हमारे पास जो है भैया एक मास्टर है और यहाँ पे हमारे पास तीन स्लेव है। लेट्स कंसिडर इट लाइक दिस, तीन स्लेव है। यहाँ पे भी आप SDA है, SCL है, SDA है, SCL है, SDA, SCL, SDA, SCL, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से दो लाइन तो है ही, इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ये आपका क्या है, ये आपका स्लेव वन है, ये स्लेव टू है, ये स्लेव थ्री है, और ये आपका इकलौता मास्टर है। अब मुझे क्या करना है ना, रिस्पेक्टिवली ये मास्टर किसी एक स्लेव को डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, यानी कि इट वांट्स टू राइट, नॉट रीड, राइट करना चाहता है किसी एक स्लेव में, तो वो कैसे करेगा? तो सबसे पहला स्टेप जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट कंडीशन। शुरू करने के लिए कुछ शुरुआती शर्तें तो होती है, स्टार्ट कंडीशंस तो होती हैं, तो वो स्टार्ट कंडीशन क्या है वो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, ताकि आप उसे याद रख सको। आपको स्टार्ट कंडीशन में करना क्या होता है, व्हाट द स्टार्ट कंडीशन इंप्लाइज दैट, कि आपको सबसे पहले SDA लाइन जो है उसे हाई टू लो करना है, उसके बाद SCL लाइन को हाई टू लो करना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, क्या कहा मैंने, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आप यहां पे सिंपली करके आ रहे हो स्टार्ट कंडीशन में, हाई वोल्टेज लेवल से लो वोल्टेज लेवल में आ रहे हो, उल्टा नहीं कर रहे हो, उल्टा हम स्टॉप कंडीशन में करेंगे। स्टार्ट कंडीशन में हम लोग हाई वोल्टेज लेवल से लो वोल्टेज लेवल में जाते हैं। सबसे पहले ये किस लाइन के साथ होता है, ये SDA लाइन के साथ सबसे पहले होता है। सबसे पहले हम लोग SDA लाइन का जो हाई वोल्टेज लेवल है उसे लो वोल्टेज लेवल पे लेके आते हैं, एंड देन फॉलोड बाय दैट वी आर डूइंग इट फॉर द SCL लाइन। इसे आप कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो कि मैंने इसे हाई टू लो किया और
ये सबसे पहले हुआ, उसके बाद फिर आपका ये जो HCL है वो होगा, बराबर। सो बिफोर HCL दैट SDA लाइन हैज टू बी मेड फ्रॉम हाई वोल्टेज लेवल टू लो वोल्टेज लेवल। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली ये सबके साथ हो रहा है, यहां पे जो है ये सभी के साथ हो रहा है लाइक दिस, इस पैटर्न में यू कैन सी इट लाइक दिस, ओके। सो बिफोर HCL योर SDA जो है इट इज गेटिंग फ्रॉम हाई टू लो, ये एक बेसिक स्टार्ट कंडीशन हो गई, ओके। ये स्टार्ट कंडीशन मैंने यहां मेंशन कर दी है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है एक चीज जो यहां पर लिखी हुई है मैंने सेकेंड स्टेप में, वो है स्लेव एड्रेस। अब ये स्लेव एड्रेस क्या है, सिंपल सी बात है, इतने सारे स्लेव्स हैं, अभी अगर मुझे ये जो मास्टर है किसी को अगर कुछ डेटा सेंड करना है तो वो डेटा किसे सेंड करेगा, कैसे सेंड करेगा, कोई स्लेव एड्रेस होना तो चाहिए जिसके थ्रू हम उस स्लेव को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पे हम 7 या फिर 10 बिट्स का एक स्लेव एड्रेस कंसिडर करते हैं, तो लेट्स कंसिडर 7 बिट स्लेव एड्रेस, सिंपल वाला कंसिडर करते हैं, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लाइक दिस 1, 2, 3, ये स्लेव्स के लिए 1, 2, 3 उनका रिस्पेक्टिव जो है स्लेव एड्रेस, बड़ा सिंपल सा मैंने कंसिडर किया, 7 बिट का एड्रेस उन्हें कंसिडर कर लिया है। तो अभी ये मास्टर क्या करता है, मास्टर इज गोइंग टू सेंड अ स्लेव एड्रेस प्लस रीड राइट बिट, ओके। तो वो क्या करता है, सिंपली यहाँ पे जो सभी हमारे स्लेव, यहाँ पे हमारा क्लॉक तो हो गई, ये हमारा क्लॉक पल्स है, दिस इज द आवर क्लॉक पल्स, ओके। ये सभी के लिए होगा, ये सभी के लिए होगा, यू कैन सी इट फॉर एवरीथिंग, ओके। यही चीज जो है आपको यहाँ पे SCL में दिखेगी, SCL में दिखेगी, SCL में दिखेगी, सेम क्लॉक पल्स यू विल बी सीइंग देयर। अब जो SDA पे आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी सिंपली अ रीड राइट बिट, इट इज गोइंग टू बी रीड राइट बिट, क्या इंडिकेट करता है कि मास्टर जो है वो रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है, समझ लो वो राइट करना चाहता है। तो मैंने यहाँ W लिख दिया, प्लस प्लस, नाउ व्हाट इज इट गोइंग टू बी, प्लस इट्स गोइंग टू बी द स्लेव एड्रेस, अभी किसे सेंड करना है, तो समझ लो मास्टर जो है वो सेंड करना चाहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेट्स से इट वांट टू सेंड टू द नंबर 3 स्लेव, तो वो क्या करता है, यही जो चीजें हैं वो सभी को सेंड करता है, सभी को सेंड करता है, ओके, इट इज सेंडिंग टू ऑल ऑफ देम। तो ये आपका यहां पे अटैच है, ये आपका अटैच है, अटैच है, लाइक दिस।